यस मुकेश भाई, यस, सो आई विल स्टार्ट सुधीर या प्लीज प्लीज मिश्रा जी। जी. यस, सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स. मैं निशा एकेलेनॉन, और आज की जो हमारी मीटिंग है, आज जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने की, उसके लिए मैं आप सबकी खूब खूब आभारी हूँ. थैंक यू सो मच. नाउ टू बिगिन विथ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट माई हस्बैंड हु इज एन AA मेंबर, मुकेश, फॉर कंप्लीटिंग 4. Yeah, I'm so sorry that an incoming call has come in. I hope you are able to hear me. या प्लीज गो अहेड। Yeah, so मैं भगवान का खूब खूब आभार मानती हूँ, आप लोग सबका खूब आभार मानती हूँ कि इस प्रोग्राम की वजह से आज मैं इस मीटिंग का एक पार्ट बन पा रही हूँ, और मैं अपने एक्सपीरियंसेस अपने फेलो मेंबर से शेयर कर पा रही हूँ. तो इस जर्नी के बारे में मैं क्या कहूँ, ये जर्नी जो है, ये जर्नी बहुत ही डिफिकल्ट रही है, बट आज जो मैं दिन देख रही हूँ उसके बाद मुझे लगता है कि इट वॉज वर्थ ऑल द प्रॉब्लम्स आई हैव सीन. इट वॉज वर्थ ये जो भी मुश्किलें हमने देखी इकट्ठे, वो सारी इट वॉज वर्थ इट. तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैं तो वही शेयर कर पाऊंगी. हो सकता है कि ये एक्सपीरियंस बहुत लोगों के काम आए. हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई, मैं बहुत ही छोटी थी जब हमारी शादी हुई, तो मुझे तो खुद ही नहीं पता था कि लाइफ कैसे होती है, किस तरह से रिलेशनशिप्स को मैनेज करते हैं. इट हैज बीन अ लर्निंग कर्व फॉर बोथ ऑफ अस. वी हैव ग्रोन अप टुगेदर प्रैक्टिकली. सो ये बहुत खट्टी मीठी जर्नी रही है. कुछ जैसे कि बिग बुक में लिखा हुआ था दैट देर वर टाइम्स वेन थिंग्स वर वेरी गुड, देर वर टाइम्स वेन थिंग्स वर वेरी बैड, अगेन देर वर टाइम्स वेन थिंग्स वर वेरी गुड. तो ये जर्नी मेरी भी बहुत ही सिमिलर रही है. जैसे बिल डब्ल्यू की जर्नी रही है, वैसे मेरी भी जर्नी उनकी वाइफ की रही होगी, वैसे मेरी भी जर्नी बहुत अच्छी रही है, कुछ समय बहुत बुरी रही है. तो हमने जब जब मेरे हस्बैंड ने पीना चालू किया, तब वो भी कुछ 22-23 साल के रहे होंगे. जैसे ही उनके फादर का देहांत हुआ, तो उन्हें बहुत ही खुली छूट मिल गई, एंड उन्होंने उस चीज का फायदा उठाया. हमारे पास इतना था कि जो हमें कभी भी पैसों के लिए या किसी चीज के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता. बट अल्टीमेटली वो जब उनकी ड्रिंकिंग जर्नी स्टार्ट हुई, तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली बिजनेस पे ध्यान देना उनका कम हो गया. उन्होंने जैसे बिजनेस में वो बहुत शार्प माइंडेड थे, बट वो उनका ऐसा था ना कि ही वॉज वेरी मूडी. जब गुस्सा आता था तो सारा कुछ अपना बनाया हुआ ही खुद बिगाड़ देते थे. फिर उनके बारे में एक बहुत अच्छी चीज ये भी थी कि ही वाज एसोसिएटेड विद मोटर स्पोर्ट्स, तो वो पूरे ईस्ट इंडिया में ही वाज ऑन द टॉप फॉर 2 व्हीलर्स. तो वो काफी रैली करते थे, काफी रेसिंग करते थे, मोटरसाइकिल रैलीज करते थे. तो उसमें वो हमेशा से ही यूज्ड टू विन. उनका उनका मसला ये नहीं रहता था कि उन्हें अच्छा करना है या उनको सक्सीड करना है. उनको ये सक्सीड उनके लिए यही था कि उनको फर्स्ट आना है. वो सेकेंड आने से भी उनके लिए बहुत ही तकलीफ देह हो जाता था, ईगो पे लग जाता था. तो चाहे वो फर्स्ट आते थे तो भी उनका वही ड्रिंकिंग एस्केपेड रहता था, और अगर वो जीतते नहीं थे तो भी उनका वही ड्रिंकिंग. किसी भी सूरत में पीना वॉज ऑलवेज हिज प्रायोरिटी. अब जैसे फर्स्ट आ गए तो वो पार्टी में सेलिब्रेट करते थे, लाखों रुपए ऐसे ही उड़ा देते थे सबको पार्टीज देने में और खाना बनाने में, इसमें उसमें. और अगर वो हारते थे तो भी वही, वो पीना ही उनका शुरू से एक उनकी वीकनेस रहती थी. अब ये तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आस्ते आस्ते कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए हमारी लाइफ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे ही लॉस्ट आई लॉस्ट माई ब्रदर. ही वॉज वेरी अटैच टू माई ब्रदर. उनका जो है वो जाता था कुछ, फिर वापस वही वो पीना चालू कर देते थे. वो उनका हर एक कदम पे ऐसा ऐसा स्टेज आया लाइफ में जहाँ पे उन्होंने कुछ 1 साल 6 महीने 1 साल उन्होंने पीना छोड़ दिया, फिर वो वापस ही पीना चालू कर दिया. बट ये जो जर्नी है, ये जर्नी के बारे में जो विशेष तर मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को, वो ये है कि हर चीज का एक अंत होता है.
वो जो अंत होता है ना, उसके पहले का जो टाइम होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो उस समय अगर आप सबर कर लेंगे, आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कर लेंगे या अपने फैमिली मेंबर को सपोर्ट कर लेंगे, अपने बेटा जो भी हो फैमिली में, बेटा हो अल्कोहलिक या हस्बैंड हो या भाई हो, उस समय में अगर आप उनके साथ खड़े रह जाओगे या उनका साथ दे दोगे, और इसको आप पर्सनली नहीं लोगे, जहां आप इस दुख को पर्सनली ले लेंगे ना, तो आप उनका हेल्प नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू बिकम, आपको अपनी ईगो को एक साइड, अगर आप अपने परिवार वाले को या अपने हस्बैंड को, अपने पार्टनर को इस चीज से निकालना चाहते हो, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपनी ईगो को एक तरफ रख देना, जहां आप इसको पर्सनली, क्योंकि वो बीमार है, वो बीमार है, हम बीमार नहीं है। हाँ, कुछ हद तक हम भी बीमार हो जाते हैं उनके साथ रहते रहते, उनके साथ चलते चलते, उनकी प्रॉब्लम्स को देख के। इट द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू बेयर इज टू सी योर ओन पर्सन इन पेन। वो सबसे बड़ा दुख होता है एक इंसान के लिए, कि आप उनको देखते हो कि वो अपने आप को हानि पहुंचा रहे, बट आप उनके लिए कुछ कर नहीं पाते हो, क्योंकि उस समय आप ही उनके सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हो। तो ये जो पेन है, ये पेन मतलब बहुत ही डिफिकल्ट है बेयर करना, क्योंकि मैं इस चीज से गुजर चुकी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि ये पेन बर्दाश्त करना किसी आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। बट आप ये मत भूले कि अगर आप एक अल्कोहलिक के साथ एसोसिएटेड है, इसका मतलब आप में भी कुछ एक ऐसा पावर है जो भगवान ने आपको उनके लिए चुना है। तो अगर आप तहे दिल से उनका हेल्प करना चाहते हैं, तो मेरी आपसे एक ही एडवाइस रहेगी कि आप अपने ऊपर पहले काम करो। जब तक आप अंदर से खाली हो, अगर आप ही एक विक्टिम बन जाओगे, अगर आप ही सेल्फ पिटी में जीने लग जाओगे, तो आप अपनी फैमिली को कभी भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको खुद के ऊपर काम करना है। आप खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद को हायर पावर के पास सरेंडर करेंगे, आप खुद अपने आप को भगवान के पास ले जाके भगवान को अपना सबसे बड़ा, क्योंकि देखिए, हमारे हमारी जो फ्रेटर्निटी है, हमारी जो कम्युनिटी है अल्कोहलिक अनॉनिमस की, इसमें आप बाहर वालों से हेल्प लेने जाएंगे तो आपको हेल्प नहीं मिलेगी। लोग आपको तिरस्कार की नजर से देखेंगे, आपको शो डाउन करेंगे, आपको पिटी की नजर से देखेंगे। तो आपको नहीं जाना है बाहर हेल्प के लिए। हमारी इतनी सुंदर कम्युनिटी है, आप हमारे भाई बहन के पास हेल्प के लिए जाइए, और सबसे पहले आप भगवान के पास सरेंडर करो, आप उस हायर अथॉरिटी के पास सरेंडर करें। आप जितना हायर अथॉरिटी के पास सरेंडर करेंगे ना, उतना आपको रास्ता दिखेगा, उतना आपको इसमें हेल्प मिलेगी ईश्वर से। तो आप हायर पावर के पास सरेंडर कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आप अपने आप को पहले इतना सक्षम बनाइए कि आप अपने पार्टनर को, अपने परिवार वाले को हेल्प कर सके। क्योंकि हमें जो है, सिर्फ सिर्फ एट द टाइम ऑफ जब हमारा बंदा अल्कोहलिक होता है, सिर्फ तब हेल्प की जरूरत, मतलब तब हमें उनको सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा सपोर्ट हमें उनको तब करना है जब वो शराब छोड़ चुके हैं, क्योंकि इस समय में क्या होता है कि उनकी जो मानसिकता होती है, वो उनको उनको ये लगता है कि एक तो उनको खुद को, जब वो अपना सारा कुछ सरेंडर करके हमारे साथ अपना सारा, दे टेल अस अबाउट देयर पास्ट, दे वॉन्ट टू टॉक टू समबडी, इफ वी आर देयर फॉर देयर सपोर्ट, दे डोंट नीड टू लुक फॉर सपोर्ट आउटसाइड। तो उनको भी हमें ये, मतलब लेटर ऑन हमें इतना सक्षम बनना है कि हम उनका सपोर्ट सिस्टम बन सके, उन्हें किसी और के पास ना जाना पड़े अपनी मन की बातें करने के लिए। तो इफ वी बिकम फ्रेंड विद दैट पर्सन, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, कि अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस ये हो जाएगी कि अच्छा, इसने शराब छोड़ दी, अब ये पूरी तरह से हमारी तरफ कमिटेड हो जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है भाई और बहनों। लेट मी टेल यू कि ये इनको, इनके लिए ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, हमें इनको समझना पड़ेगा। ये जर्नी जो है, ये जर्नी सिर्फ उनकी नहीं है, उनके साथ हमारी भी जर्नी है। अगर ये हमें हील होना है पूरी तरह से, या हमें उनको हील होने देना है पूरी तरह से, तो हमें उनके साथ साथ अपने पे काम करना पड़ेगा और करते रहना पड़ेगा। ये प्रोग्राम अपनाइयत का है, ये प्रोग्राम सिर्फ बिग बुक रीड करके या बिग बुक से कुछ पन्ने पढ़ के नहीं, आप जितनी बार बिग बुक को पढ़ेंगे, जितनी बार प्रोग्राम को स्टडी करेंगे, आपको हर बार उस प्रोग्राम के बारे में कुछ नया समझने को मिलेगा। तो मेरी सबसे यही विनती है कि आप सबसे पहला तो हमें ये करना है कि हमें खुद के ऊपर काम करना है, खुद के ऊपर निरंतर काम करते रहना है। जब तक हम खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे, एन एम्प्टी वेसल कैन नेवर पोर आउट एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम एम्प्टीनेस फ्रॉम विदन। यू हैव टू फिल योर सेल्फ विथ लव, विथ कंपैशन, नॉट विथ पिटी, विथ लव एंड कंपैशन, सो दैट यू कैन रीच आउट टू योर पार्टनर और योर फैमिली मेंबर विद दैट इक्वल लव एंड कंपैशन। ओनली देन यू कैन हील योर सेल्फ एंड यू कैन हील योर पार्टनर, और योर पार्टनर कैन हील देम सेल्फ एंड हील यू।
सो दिस जर्नी हैज टू रिमेन एन ऑनगोइंग जर्नी, वन डे एट अ टाइम. एवरी सिंगल डे यू हैव टू वर्क अपॉन योर सेल्फ एंड योर पार्टनर. एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से, आई एम वेरी प्राउड टू से दैट माई पार्टनर इज नॉट ओनली वर्किंग ऑन हिमसेल्फ बट ही इज वर्किंग ऑन मी ऑल्सो. मैं उनके जितनी ही बीमार हूँ, सिर्फ वो बीमार नहीं है. अब मुझे जो है ना, मुझे फ्लैशबैक आते हैं पास्ट के, मुझे बहुत कुछ सताता है, मुझे बहुत बार मैं उनसे अपसेट हो जाती हूँ. बट आई एम वेरी प्राउड टू से एंड आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव हिम एज माई पार्टनर बिकॉज एवरी मोमेंट दैट मैन इज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ. बहुत दम लगता है अपनी वीकनेसेस बताने में, अपनी जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है उनको अपने पार्टनर के साथ शेयर करने में, उनकी जो उन्होंने जो मिस्टेक्स की है उसको ओन अप करने के लिए. एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से दैट यू नो उनके अंदर जो भी था, बट ही इज अ ट्रूथफुल पर्सन, ही इज ऑनेस्ट टू हिमसेल्फ एंड ही नोज अबाउट द फैक्ट दैट यू नो अनलेस यू आर ट्रूथफुल टू योर ओन सेल्फ यू कैन नेवर बी ट्रूथफुल टू अदर्स. वो इंसान मैन इन द मिरर की जो वर्णन है उसके बेसिस पे वो इंसान चलता है. वो बोलता है कि जब भी उनको कोई वीकनेस होती है या किसी तरह की उनको कमजोरी मन में आती है तो ही इमीडिएटली कॉल्स मी. देर आर टाइम्स वेन आई एम नॉट अवेलेबल, आई एम अ वर्किंग वुमन. देर आर टाइम्स वेन आई एम नॉट अवेलेबल टू हियर हिम आउट, बट दैट डजंट मीन कि वो हेवायर हो जाते हैं. ही इज ऑल्सो पेशेंट विथ मी. ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड माई पोजिशन बट वेन ही इज फ्री ही टेल्स मी दैट आज ना मुझे ये ख्याल आया, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है बट आई एम ट्राइंग टू कॉप माई सेल्फ. क्योंकि ये सब 2 मिनट की खुशी है, उसके लिए मैं अब उस पथ पे नहीं जाना चाहता हूँ. वो अपनी इन्वेंट्री, जब तक आदमी सेल्फ इन्वेंट्री नहीं लेता है ना, तब तक उसको सही और गलत के बीच में डिफरेंस नहीं आता है. ये बात मुझे अपने पति से पता चली. आई एम वेरी ग्लैड कि आज वो ना ना ही अपने आप को सपोर्ट करता है, वो मुझे भी सपोर्ट करता है इन सब चीजों से निकलने के लिए. और ये तब ही पॉसिबल है जब आप इस प्रोग्राम को अपनी लाइफ में अप्लाई करें. जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो मतलब कोई भी लिटरेचर को पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है? आप दिन में आधा घंटा निकाल लो लिटरेचर पढ़ ली, हो गया. नहीं, दिस प्रोग्राम इज अबाउट वर्किंग ऑन इट. द प्रोग्राम विल ओनली वर्क फॉर यू इफ यू वर्क इट फॉर योर सेल्फ, अदरवाइज इट विल नेवर वर्क फॉर यू. ये बात मुझे आज इस इंसान से पता चली. मतलब मैं क्या ही बताऊं, मतलब अगर आप मतलब किसी ने अगर हमारी शेयरिंग पहले सुनी है तो शायद वो जानता होगा कि हम किस परिस्थिति में थे और किस परिस्थिति से निकल के आज इस परिस्थिति में आए हैं. जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब उन्होंने अपना सारा कारोबार बंद कर दिया, रैप कर दिया, जस्ट बिकॉज उनको लोग उनके स्टाफ के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी. उनको उन मतलब वो लोग एक यूनियन जैसा बना के सब उनके अगेंस्ट में हो गए थे. क्योंकि क्यों, मतलब क्यों, आज जब तक इंसान खिलाता पिलाता है, जब तक इंसान को चोरी करने की जगह मिलती है, तब तक स्टाफ लोग भी ठीक रहते हैं. क्योंकि पता है कि बाबू तो पी के रहेंगे, हम अपनी मनमानी कर सकते हैं. बट जहां उनको ये पता चला कि नहीं अब तो मनमानी नहीं चल सकती, तो सबने यूनियन करके काम पे आना बंद कर दिया. तो मेरे हस्बैंड ने सारा कुछ रैप वैप करके सब कुछ बंद कर दिया. 1 साल वो बंदा घर में बैठा रहा, 1 साल. तो उन्होंने काफी अपनी लाइफ को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, मतलब शराब भी पीते थे तो रिस्ट्रिक्ट करके पीते थे. मतलब बहुत सुकून से लाइफ जी रहे थे, कम में हम लोग जी रहे थे बट जी रहे थे, शांति से जी रहे थे. वो पीते भी थे, रोज पीते थे, बट वो मेरे साथ बैठ के पीते थे, घर में पीते थे. तो मुझे लगा चलो ठीक है, जैसा चल रहा है लाइफ बहुत आराम से चल रही है. फिर अचानक से एक बार लॉकडाउन आया. ये मैं रॉक बॉटम की बात बता रही हूँ क्योंकि यही यही वो मोड़ था जहाँ से हमारी लाइफ ने रिवर्स की. यही वो मोड़ था जहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया, मतलब ऐसा देख लिया कि मतलब और लाइफ में ऐसे था कि बस अब या वो मर जाए या मैं मर जाऊं, वैसी वाली हालत था. फिर वो लॉकडाउन का समय आया, कोविड आया. उस समय मतलब आप देखिए कि ये इंसान जो है मेरा पति, वो इतना एक बड़ा जीनियस है कि उसको वो जो भी देख लेगा ना वो उसको बनाने के लिए लग जाएगा. वो कैसे भी करके वो चीज देख के ही बना लेगा कि कैसे बनाना है. जब लॉकडाउन आया तब लोग रो रहे थे बिजनेस के लिए. हमने उस समय में कुछ तो हमने 70-80 लाख, 1 करोड़ जितना का तो हमने टर्नओवर कर लिया था उस समय. मतलब उन्होंने अपनी बुद्धि से सैनिटाइजर बनाना चालू किया, उन्होंने अपनी बुद्धि से फेस शील्ड एक्रेलिक के बनाने चालू कर दिए. दिन रात हमारे यहाँ पे काम चल रहा था. तो जब पहले जब चालू हुआ तब तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, वो भी
कुछ खास मतलब वो काम में इन्वॉल्व ही रहते थे, दिन रात का काम चलता था, माल पैकेज होके इधर उधर सब जगह जा रहा है, पेमेंट्स आ रहे हैं, नया माल बन रहा है। फिर अचानक से एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने एकदम पीना चालू कर दिया। जो पैसा आया, जो एकदम बिजनेस एकदम धमाधम चलने लग गया, दैट हिट इज हेड, दैट हिट इज हेड माइंड इट, मतलब द सेम थिंग व्हाट यू नो बिल डब्ल्यू हैज रिटन इन द बिग डब्ल्यू बिग बुक। मतलब ही स्टार्टेड यू नो उनका वो शेयर बाजार में चालू हुआ, इनका भी वैसा ही चालू हुआ, और अचानक से ऐसा पीना चालू हुआ कि मतलब 24 घंटे काम कम चल रहा है और पूरा स्टाफ पीके फुल है, मतलब पूरा स्टाफ, मतलब पूरा वातावरण ऐसा हो गया। और एंड द सैड पार्ट वाज, हमारी सबके ऑफिस बंद थे, हमारी फैक्ट्री घर के नीचे, और ये सारा तमाशा घर के नीचे हो रहा है, और जो उसको रोकने की कोशिश करे उससे वो झगड़ा झमेला, वो पूरा पाड़ा उमड़ के आ जा रहा है, पीने के लिए पैसे हैं, म्यूजिक चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, बट स्टाफ को पैसा देना बंद कर दिया, सैलरी देना बंद कर दिया, और तो जो मतलब लोग आके गाली दे रहे हैं, इतना तमाशा हो रहा है, इतनी मारपीट, शराब की बोतलें, मतलब इट वाज लाइक केओस ऑल अक्रॉस, मतलब इतनी खराब हाल। उस बीच में मतलब मेरी सास की तबीयत बहुत खराब हो गई, हमें उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, उनका मतलब शी वाज उनको मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होने लग गया, शी वाज ऑन द डेथ बेड, मतलब इतनी हालत खराब कि मतलब मैं किधर देखूं, मैं इधर देखूं मुकेश को, या मैं देखूं मेरी घर में, या मैं कैसे मैं पैसे लाऊं, कहाँ से लाऊं, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एवरीथिंग वाज हेवायर। पैसे भी लोग यहाँ पे माल के लिए ऑर्डर देके गए, एडवांस पेमेंट करके गए हैं, कहीं से कुछ पैसे आने नहीं है, बल्कि माल देना है उसके लिए भी पैसे नहीं थे, हॉस्पिटल के लिए भी पैसे नहीं थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और ये भाई साहब एकदम ही अपने अपने धुन में जैसे तैसे बातें करना, गालियां देना, इतनी खराब हालत। फिर मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, लास्ट में मुझे यही समझ में आया कि पहले मैं इसका कुछ निदान करूं, तब मैं जाके मेरी सास को देखूं। तो फिर मैंने रिहाब में इनको, यहाँ पे लोकल रिहाब है वहां पे, मैंने इनको भेज दिया। तो वो लोग आए रिहाब से, उनको लेके गए, उनका जैसे तैसे करके मैंने पेमेंट कर दी, उनको मैंने वहां पे रिहाब में भेज दिया। अब भेज तो दिया, यहाँ पे मेरी सास की तबीयत और क्रिटिकल होने लग गई, मतलब ऐसा होने लग गया कि डॉक्टर है गिवन अप कि आप इनको घर ले जाओ, उनका कुछ नहीं हो सकता है। तो अब मैं क्या करूं, तो मुझे मेरी दोनों ननंदों ने प्रेशर करना चालू कर दिया कि देखो तुम मुकेश को बाहर निकालो, नहीं तो अगर मम्मी को कुछ हो जाएगा तो वो तुम्हें जिंदगी भर नहीं माफ करेगा। तो उनके प्रेशर में जाके मैं उनको लेके आई, रात को 11 साढ़े 11 बजे मैं उनको रिहा से लेके आई, बट वो कोई सुधरने वाला था, वो तो निकल के ही अपना पूरा वापस तमाशा चालू कर दिया। वो बाहर निकलते ही उसने बोला मुझे शराब लाके दो, नहीं तो मैं जो मिलेगा वो पी लूंगा, मतलब मैं कफ सिरप पी लूंगा, ये पी लूंगा, वो पी लूंगा, वो सब करते कराते निकलते ही कहीं से उन्होंने, उस समय तो लॉकडाउन चल रहा था, कहीं से बच्चा, आप लोगों का तो ये एक वो है ना नैक है कि कहीं से भी कुछ भी अरेंज हो जाता है, उन्होंने अपनी बोतलें अरेंज कर ली, अपना फिर वही पीना चालू कर दिया। वो इंसान रिहा से निकल के अपनी माँ के पास जाने के बजाय वो पहले ही बोतल लेके बैठ गया। अब वो करते 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 वो फिर माँ के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल चेंज कीजिए आप, या तो फिर उनको डायलिसिस कराइए। फिर वो नया नया से हॉस्पिटल चेंज करने के लिए भी उन्होंने मुझे बहुत इमोशनल ब्लैकमेल किया कि मैं तुम ये नहीं करोगी तो मैं नहीं करूंगा, तुम ऐसे नहीं करोगी तो मैं नहीं करूंगा, मैं मम्मी का हॉस्पिटल ही चेंज नहीं, उनकी खुद की माँ, वो कॉम्प्रोमाइज करके जैसे तैसे करके मम्मी का हॉस्पिटल हमने चेंज कराया। बट देखा कि इनका तो और भी बढ़ते गया जाके सबके सामने अश्लील हरकतें करना, गलत जगहों पे जाना, इधर उधर पैसा उड़ाना, जैसे तैसे एक्सट्रॉशन करके पैसा निकलवाना लोगों से, मतलब कि अपने टेनेंट्स लोगों के साथ इतना झमेला इतना झमेला, यहाँ आके मोहल्ले में सबके सामने मेरी बेइज्जती करना, करते करते फिर ऐसे लगा कि नहीं अब तो अगर इनको मैं नहीं भेजूंगी तो या तो ये खुद को चोट पहुंचा लेंगे, और इनको कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाएगा। तो मैं भगवान के सामने मैं रोती रहती थी, भगवान के सामने एक ही बात बोलती थी कि भगवान तुम इसका कुछ निवारण करो, कुछ इसका कुछ करो, कि मतलब या तो मुझे शक्ति दो कि मैं कुछ कर सकूं, कि मैं इसको हेल्प कर सकूं, नहीं तो ये इंसान ऐसे ही करके मर जाएगा। फिर मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे, हमने उस समय काफी फिर छानबीन की, जिस बिहार में पहले हमने भेजा था वहां पे द एटमोसफेयर वॉज नॉट दैट वेरी गुड, तो हमने फिर दूसरा एक रिहैब का पता किया विच वॉज
अंडर एन इंस्टीट्यूशन विच इज एसोसिएटेड विद मेडिटेशन एंड ऑल, और हमें लगा कि शायद वहां पे जाके थोड़ा बेटर होगा। तो हमने उनको उस दिन भी रात को ही वो रिहाब में फोन किया और वो आए, उनको लेके गए। वो जो दृश्य था वो मुझे आज भी याद है कि वो इंसान, मतलब उनको लगा कि पुलिस आया है लेने के लिए, उनको ये लगा कि उन्होंने जो किया है उसके लिए पुलिस उन्हें सजा देने के लिए लेके आया। बट जब वो नीचे उनको लेके गए और जब वो रिहाब क्या उन्होंने वैन देखा, तो मैं छत से उनको देख रही थी, उन्होंने जो टर्न करके मुझे उस दिन लुक दिया था, मुझे ऐसे लगा कि मेरा दिल एकदम टूट के चकनाचूर हो जाएगा। तो मुझे ऐसे लगा कि मैं उनके साथ गद्दारी कर रही थी, मैं उनको भेज के मैं क्या सही कर रही थी या मैं गलत कर रही थी, वो इंसान सुधर के आएगा या वो इंसान और बिगड़ जाएगा। बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में चली, बहुत सारी बातें मेरे दिल में चली। वो करते 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 उनका वहां से रिहैब से फोन आता था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके पैनक्रियाज में इश्यूज आ गए हैं, उसके लिए टेस्ट कराने जाना पड़ेगा। उस बहाने 40 दिन 50 दिन होने से पहले मेरी उनसे एक बार मुलाकात हुई, वहां जहाँ हम टेस्ट कराने डॉक्टर दिखाने गए थे वहां पे वो उन्होंने मुझसे हाथ जोड़ के रो रो के कहा, मिन्नतें की कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से निकालो, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं और ऐसा नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा नहीं करूंगा। पर बहुत दिल पे पत्थर रख के हमने उनको उस समय नहीं निकाला, क्योंकि उस समय 1 महीना भी नहीं हुआ था। मुझे ऐसे लगा कि नहीं, उनको अभी ये साइकिल ब्रेक करने के लिए एटलीस्ट 60 डेज देने चाहिए, तभी जाके उनके लाइफ में कोई सुधार आने की संभावना है। फिर जैसे तैसे करके और थोड़ा समय निकला, नहीं मानेंगे कितना मुश्किल था ये समय, क्योंकि उनके रिहाब में पैसे भरने थे, मेरी सास की तबीयत भगवान की दया से थोड़ी बेटर हुई, हॉस्पिटल के बिल्स थे, घर का खर्चा था। ही वॉज द आई वॉज ऑल्सो अर्निंग एट दैट टाइम, बट ही वॉज द मेन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। तो कैसे क्या करना, उनको मैं चिट्ठियां लिखती थी रिहाब में, वो लोग उनको पढ़ा के उसका मेरे को जवाब, क्योंकि सबको मैंने बोल के रखा था कि भाई उनके बिना तो मेरे लिए फंड अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। इतना मुश्किल समय गुजारा सब कुछ करते करते। फिर यहाँ पे कलकत्ता में दुर्गा पूजा होती है, दैट इज वन ऑफ द मेन फेस्टिवल्स ऑफ कलकत्ता। तो दुर्गा पूजा के वक्त मैं गई उनसे मिलने, उनका बर्थडे भी बीच में आया, वो बर्थडे में भी वहां पे हमने केक वेक भेजा, बट वो ही वॉज स्टिल वेरी रिजेंटफुल अबाउट एवरीथिंग। आई कुड सेंस दैट कि ये निकलेंगे तो मेरा जीना कुछ आसान नहीं होने वाला है। तो वो करते करते फिर वो दुर्गा पूजा के समय मैं उनको लेने गई, बट वहां के लोगों ने हमें उनको निकालने नहीं दिया, बहुत मेरे को उन्होंने रोका, उन्होंने कहा एटलीस्ट दुर्गा पूजा निकल जाने दो, उसके बाद तुम लेके जाना। तो फिर दुर्गा पूजा निकली, दिवाली से पहले मैं उनको घर लेके आई, और जैसा कि मैंने सोचा था ये जो समय था ये बहुत ही क्रूशियल समय था। भगवान ने मुझे वो, मेरे हायर पावर ने मुझे वो सद्बुद्धि दी ये ना, इस समय जो है इतनी मेहनत करके, इस समय अब इसको अकेला मत छोड़ना, इस समय इसको तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इस समय तुमको उसके साथ साए की तरह रहना। और जो मैंने सोचा था वो एग्जैक्टली सही हुआ। वो जो वहां से निकले ना, तो ही वॉज इन विड्रॉल, ही वॉज वेरी रिजेंटफुल टुवर्ड्स मी। मतलब उनको ये, मतलब अगर जो उनको मौका मिलता ना तो मेरा गला घोट के मार देते, मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी। वो बाहर निकलते ही उन्होंने हंगामा कर दिया कि ना मैं तुमको डिजोन कर रहा हूँ, तुम आगे से मेरे लिए कुछ डिसाइड नहीं कर सकती हो। बट वो जब घर आए, घर आने के बाद वो, मतलब उनकी जो हालत थी वो इतनी क्रिटिकल थी, वो मेरे को बोलते थे कि तुम ना सारे दरवाजे बंद कर दो, सारे दरवाजे बंद कर दो, नहीं तो मेरे को यहाँ से वो वापस रिहाब वाले ले जाएंगे। बट इस सब में एक चीज जो थी ना वो बहुत ही अच्छी थी, कि उनके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि अगर अब मैं जो गलत करूंगा तो मुझे वापस रिहाब भेज दिया जाएगा। और उनके मन में ये बात जो थी ना कि नहीं अब मुझे रिहाब नहीं जाना है, मुझे अब मुझे ये काम ऐसा काम नहीं करना है, मुझे इसमें से निकलना है, ये जो ज्योति थी उनके अंदर कि मुझे इसमें से निकलना है, मुझे अपने आप को ठीक करना है, ये कुछ दिन, 1 हफ्ता 10 दिन थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट रहा हम लोगों के लिए। हमने इस बीच में एक ऑनलाइन थेरेपी सेशन भी लिया उनके लिए, बट उन्होंने ही मुझे बोला ये 1,000 रुपया खर्चे करके तुम जो ऑनलाइन थेरेपी कर रही हो उससे अच्छा मैं खुद अपने आप में मैं तुमसे बात करूंगा। वो मुझसे काफी बात करते थे उस दौरान, वो बिग बुक लेके बैठते थे, उनको उनको किसी के साथ वहां, जब वो रिहाब में थे तब उनके जो रूममेट थे उन्होंने उनको समझाया था कि तुम 12 स्टेप्स में वर्क करो और तुम बिग बुक को फॉलो करो,
तुम देखो तुमको बहुत आसरा मिलेगा। तो उन्होंने फिर अपने आप को पिकअप करना स्टार्ट किया, उन्होंने अपने आप को इस जो जो मोड में वो थे, जो रिजेंटमेंट के मोड में, जो विड्रॉल के मोड में थे, उन्होंने अपने पे काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग, एक मीटिंग कहीं से कुछ ज्वाइन की और उनको बहुत सारी मीटिंग के लिंक आने लगे। तो उस समय में वो तीन तीन चार चार मीटिंग दिन में करते थे, वो अपनी शेयरिंग करते थे, लाइक माइंडेड पीपल के साथ बातें करते थे। वो इस चीज ने उनको बहुत हेल्प किया। और इसके अलावा जो बाकी का टाइम रहता था, वो बिग बुक लेके बैठते थे। उस समय उनको अंग्रेजी उतनी समझ नहीं आती थी, बड़े बड़े जो वर्ड्स होते हैं, तो वो मेरी हेल्प लेते थे। और फॉर्चुनेटली मैंने भी लीव लेके, मैं भी 8-10 दिन 12 दिन में घर में बैठी रही उनके साथ। तो वो मेरे साथ बैठते थे, वो मेरे साथ, वो सिस्टर शिवानी को सुनते थे, वो मेडिटेशन उन्होंने स्टार्ट किया। और आस्ते आस्ते, यू नो, आई कुड सी द चेंज इन हिम। आस्ते आस्ते ही हिमसेल्फ कुड फील द चेंज इन हिमसेल्फ। उन्होंने इतना बिग बुक को स्टडी किया, उन्होंने प्रेयर, जितनी प्रेयर्स है, जितने स्लोगन्स है, जो 12 स्टेप्स है, उस सबके प्रिंट आउट निकाल निकाल के उन्होंने अपने यहाँ पे टेबल पे लगा दिए। और वो मैं देख रही थी कि वो सुबह शाम उनको पढ़ते थे, सुबह शाम अपने आप पे काम करते थे, बिग बुक पढ़ते थे, समझते थे, नोट्स बनाते थे। इतना रिगरसली उस इंसान ने अपने आप पे काम किया, विच वॉज अ टर्न अराउंड। और यू नो, विद इन 12-13 डेज उन्होंने मुझे कहा, तुम कितने दिन घर में बैठे थे, जाओ तुम, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं यार, तुम मत डरो, अब मैं इस रास्ते पे वापस नहीं जाऊंगा। और मैंने भी वो भरोसा किया उसके ऊपर, मैंने भी उसके ऊपर वो भरोसा किया। मैंने बोला ठीक है, मैं कुछ घंटों के लिए ऑफिस जाना स्टार्ट करूंगी, आप मुझे बताना जब भी आपको अगर ऐसे अकेले फील होता है, मैं वापस आऊंगी। तो ये जो हमारी जो साझेदारी थी, ये जो हमारी जर्नी थी, जो हमने मिलकर इसका सामना किया, आज वो रंग ला रही है। आज ये 4 साल जो हमारे लिए जो नहीं है, वो सिर्फ एक ईश्वर की ब्लेसिंग हमारे लिए, उस ईश्वर की जिसके सानिध्य में हम गए, जिसके पास हमने सरेंडर किया। ये जो हमारी जर्नी रही, वो बहुत अप्स एंड डाउन से भरी रही है, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, टू द गॉड ऑलमाइटी, दैट ही स्टूड बाय अस एंड ही हैज हेल्प्ड अस कम सो फार। एंड टुडे आल्सो वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोग्राम वन डे एट अ टाइम, एंड वी विल कंटिन्यू वर्किंग, वी विल कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग ऑल थ्रू आवर लाइव्स, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच हैज ब्रॉट अस सो फार, एंड आई होप वी विल गो फार वे फ्रॉम हियर। सो आई विल लाइक टू एंड माय शेयरिंग, आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माय जर्नी एंड हियरिंग अस आउट। And my advice and my deepest request to all Al-Anon members will be to first work on yourself so that you can give that support to your partner and your family members. Thank you so much. Over to Mukesh. Thank you, Nisha. Thank you so much for being there in my difficult journey of alcoholism. नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश एक शराबी हूँ। भगवान की असीम कृपा और इस सुंदर फेलोशिप की सहायता और अपने परिवारजनों की सहायता से आज के दिन मैं शराब से मुक्त हूँ। वन डे एट अ टाइम सुखी समाधानी जिंदगी जीने के प्रयत्न कर पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सुंदर से फेलोशिप और आप सबके साथ के वजह से। क्या कहूँ, बहुत दिनों के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरी वाइफ भी कुछ बोल पाई। वो बेचारी कभी बोल नहीं पाती थी, मैंने उसको इतने दुख दिए हैं, इतने तकलीफ दिए हैं, लेकिन उसने कभी उफ नहीं की। मैं भगवान का वाकई बहुत आभारी हूं कि यू आर देयर एज माय पार्टनर। बच गया मैं, बस दोस्तों बच गया। शायद कुछ अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए बच गया, नहीं तो मेरे जैसे शराबी मैं रास्ते में ही पड़ा रहता। लॉकडाउन के टाइम में मेरा एक दिन एक्सीडेंट हो गया था, मेरे को एक रिक्शा वाला उठा के लेके गया था घर में। मेरा फोन भी कहीं गिर गया था, मेरे पॉकेट में मेरा वॉलेट था, तो वॉलेट देख करके उसमें से फोन नंबर निकाल करके मुझे घर पहुंचा के आया था। और मेरी कहानी आपको मेरी वाइफ ने जो बताई ना, एकदम क्या कहूँ, लग रहा था कि मेरे मन से वो बोल रही है, मैं जो कहना चाहता हूँ वही वो बता रही है।
क्या चाहता था जिंदगी से मेरे को पता नहीं था क्या चाहता था। मैं बिग बुक जब भी पढ़ता हूँ, जब जब बिग बुक के ऊपर देखता हूँ, जब भी मैं फर्स्ट स्टेप को देखता हूँ ना, मुझे हमेशा अपने आप को देखने का दिल करता है। एडमिट आई एम पावरलेस ओवर एल्कोहल दैट माई लाइफ हैज बिकम अनमैनेजेबल। मैं हमेशा खोजने की यही कोशिश करता हूं कि शराब मेरी प्रॉब्लम थी ना मेरी अनमैनेजेबल थी। मैं बचपन से ही अनमैनेजेबल था, बचपन से ही अनमैनेजेबल था। शराब ने आके मेरी जिंदगी में मेरी अनमैनेजेबिलिटी को और बढ़ाया है, न कि कम किया। शराब ने आके मेरी जिंदगी को और अनमैनेजेबल बनाया, क्योंकि मेरे सोच ही अनमैनेजेबल थी ना, मेरा दिमाग ही अल्कोहलिक माइंड था ना। शराब वॉज जस्ट अ सिम्टम, एल्कोहल वॉज पर जस्ट अ सिम्टम। आई डेंट लाइक एल्कोहल। मैं जब पहला ड्रिंक मारता था तो मेरा बदन, हाथ कांप जाते थे, मेरे हाथ में रोंगटे खड़े हो जाते थे, और वो ड्रिंक एक अंदर चला जाता था ना, उसके बाद मेरे को उसे पीने में बड़ा मजा आता था। उसके बाद मैं अपने आप को कवर अप कर सकता था ना, शराब पी के अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स को कवर अप करता था मैं, ना कि शराब से मेरे को प्रॉब्लम था। मेरे को शराब का इफेक्ट बहुत अच्छा लगता था, उसके बाद जो मेरा दिमाग चलता था बदमाशियां करने का, वो चीज में मैं माहिर था। बस आज बचा हुआ हूं तो मैं आज भी अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करता हूं। शराब इज नॉट माई प्रॉब्लम, शराब वो तभी मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, शराब को मैंने ढाल बना के रखा था। जैसे बिग बुक में कहा गया, मैं उस तरह से चीजों को पकड़ने की कोशिश करता हूं, मैं कभी भी उसके बाहर नहीं जाता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। मैं बिल स्टोरी जब पढ़ता हूं तो मेरे को आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि मुकेश तू कहां खोया हुआ है, वेयर आर यू इन दैट बुक, वेयर आर यू इन दैट चैप्टर। बिल तो अपनी कहानी बता रहे हैं, लेकिन तू कहां खोया हुआ है, वेयर डू यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ इन दैट बिल स्टोरी। कोई भाई जब अपनी कहानी बता रहा है तो तू अपने आप को कहां खोज रहा है उस किताब में, वेयर डू यू स्टैंड। मैंने वो करने की कोशिश करता हूं। मैं आज सच में बताऊंगा, मेरा शराब का ऑब्सेशन नहीं आता है, लेकिन मेरे जो बाकी के कैरेक्टर डिफेक्ट्स है वो मुझे आज भी परेशान करते हैं, रोज परेशान करते हैं, लेकिन मैं कोई गलत हरकत नहीं कर रहा, बचा हुआ हूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी प्रॉब्लम कहां पे है। यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉजेज एंड कंडीशन, यू हैव टू वर्क ऑन योर कॉजेज एंड कंडीशन। आज का डेली रिफ्लेक्शन कितना अच्छा है, आज का डेली रिफ्लेक्शन विलिंगनेस टू ग्रो। अगर जो मेरे में विलिंगनेस टू ग्रो नहीं होगी तो मैं जिंदगी भर वही करता रहूंगा। आई हैव टू ग्रो, आई हैव टू कीप ऑन ग्रोइंग। सोब्राइटी फिल्स द पेनफुल होल इन द सोल। कितना अच्छे से लिखा, सोब्राइटी फिल्स द पेनफुल होल इन द सोल दैट माई एल्कोहोलिज्म क्रिएटेड। ऑफन आई फील सो फिजिकली वेल दैट आई बिलीव माई वर्क इज डन। हाउएवर जॉय इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ पेन, इट इज द गिफ्ट ऑफ कंटिन्यूड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अगर जो मैं ये कंटिन्यू स्पिरिचुअल अवेकनिंग अपने अंदर डालने की कोशिश नहीं करूंगा ना, मैं उसी जगह एक ही जगह अटक जाऊंगा, आई बी स्टक एट वन प्लेस, मैं आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करूंगा। ये एक एल्कोहल लिक्स अनोनिमस में आने के बाद मैं ऐसी साइकिल के ऊपर बैठा हूं जिसे मैं रोक नहीं सकता हूं। आई हैव टू कीप ऑन राइडिंग इट। मैंने जहां रोकने की कोशिश करूंगा मेरा पैर जमीन पे आने वाला है। आई हैव टू गेट डाउन माई, मेरे को पैर को मेरे को नीचे रखना है अपने आप को बैलेंस करने के लिए। उससे अच्छा मैं धीरे सुस्ते आस्ते आस्ते चलाता रहूं, अपने बैलेंस पे चलता रहूं, अपनी सारी जिंदगी की कमियों को खामियों को मैं आस्ते आस्ते भरता रहूं, आस्ते आस्ते चलता रहूं। इट इज अ मैटर ऑफ अ लाइफ टाइम, नॉट अ वन डे टू डे टाइम, मेरे को जिंदगी भर। मैं तो आज सच में कहूंगा कि मैं वाकई में एक भाग्यशाली शराबी हूं जो जिसने इतनी शराब पी और जिसे आज ए ए वे ऑफ लाइफ जीने का मौका मिला है।
मैं जिंदगी में भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मुझे अभी अल्कोहलिक बनाना, कि मुझे कम से कम ये जिंदगी जीने का तो मौका मिले, यही वे ऑफ लाइफ, ये इतनी अच्छी जिंदगी। भगवान मुझे अगले जन्म में मेरी जो वाइफ दी है वैसी ही वाइफ दे मुझे। मैं आज वाकई में जब कहता हूं ना कि मैं मुकेश एक शराबी हूं, भगवान की असीम कृपा, यस भगवान की असीम कृपा है। मेरे भगवान तो मेरे साथ ही थे, मैं उनके आगे भाग रहा था, मेरे भगवान ने मेरा हाथ पकड़ के रखा था। तभी मैं 28 सालों की मेरे घर वालों की, मेरी वाइफ की तपस्या के बाद मैं आज एक नॉर्मल इंसान बनने की कोशिश कर रहा हूं। थ्रू दिस फेलोशिप एंड थ्रू द बिग बुक ऑफ AA, वो बिग बुक एक ऐसी चमत्कारी किताब है, मेरा तो जब भी हो ना, मेरा इंटरेस्ट उसी पे जाता है, उसी पे जाता है, उसी पे जाता है। मेरे को वाकई में नहीं समझ में आता था, आज मैं एक एक लाइन पढ़ता हूं, उसे पढ़ने की कोशिश करता हूं, उसको समझता हूं और उसके बाद सोचता हूं अरे क्या लिखा हुआ है, अरे क्यों लिखा हुआ है। मैंने इतने दिन से मैं पढ़ रहा था, जब से मैंने कुछ दिनों से सब जिनको जरूरत है उनके संग, मैं किसी को भी न्यू कमर के संग जब बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई तेरे पास ब्लू बुक है कि नहीं, तू बिग बुक ले, पेज नंबर इतना खोल, इसको ये चीज पढ़, देख तेरे को कहाँ पे रिलेट होता है कि नहीं होता। अपने आप को खोजने की कोशिश करो। मैंने जब भी किया, मैंने कुछ दिन पहले मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी, रिजेंटमेंट्स आ रहे थे सबके प्रति, रिजेंटमेंट्स आ रहे थे, लेकिन मैंने देखा नहीं मेरे को इस सब चीज में जाके फायदा नहीं, मेरे को विड्रॉ कर ले मुकेश, इफ यू कैन नॉट, तू कुछ नहीं कर पा रहा ना, तू विड्रॉ कर ले, लेकिन तू प्रोग्राम से मत होकर तू प्रोग्राम में लगा रहे, जो भी तकलीफ है तेरी तकलीफ है ना, ऑल द प्रॉब्लम्स आर ऑफ योर ओन मेकिंग, तू दुनिया नहीं बदल सकता कोई बात नहीं, लेकिन तू खुद को तो बदलने की कोशिश कर। मैंने देखा मैं प्रोग्राम में आने के बाद भी दुनिया को अपने तरह से चलाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने देखा नहीं बाबा, मैं तो पहले भी शराब पी के यही कर रहा था और आज भी मैं यही कर रहा हूं, नहीं मेरे को जरूरत नहीं है, लेट इट बी, लेट देम डू व्हाट दे आर डूइंग, तू अपना कार्य कर्म कर, तू क्या कर सकता है, व्हाट कैन यू डू द बेस्ट, व्हाट कैन यू डू द बेस्ट, इफ यू कैनॉट डू एनीथिंग जस्ट पे काम, तू अपना काम कर, तेरा काम ठीक से कर, बाकी सब काम देख अपने आप भगवान करेंगे, तू अच्छा कर, तू गलत करने की कोशिश मत कर। मैंने अपनी जिंदगी अपने हाथों से खराब की है, मैंने अपनी जिंदगी अपने हाथों से खराब की थी, मेरे को तो मेरे पिताजी सब कुछ धक्के गए थे, सब कुछ देके गए, लेकिन मेरे मोर एंड मोर ने सारी चीजों को नष्ट कर दिया, मेरे घर परिवार को नष्ट कर दिया, हमारी एक फैमिली लाइफ को नष्ट कर दिया। मैं इन 28 सालों में मेरी वाइफ से प्यार किया था, वो एक मतलब ही प्यार था, इट वॉज फॉर माई वॉन्ट्स, मैं अपने लिए उसको प्यार कर रहा था, ना कि एक इंसान के तौर पे उसको प्यार कर रहा था, लेकिन आज मैं कोशिश करता हूं कि उसको सच्चा प्यार करूं, जो मैंने कभी किया नहीं था अपने शराबीपन की जिंदगी में। मैंने 2020 के बाद में शायद उसको प्यार करना चालू किया है, शायद, क्योंकि मैं प्यार क्या होता है उस चिड़िया का नाम ही नहीं जानता था ना, आई वॉज अ सेल्फिश सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, आई वॉज अ सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। प्रोग्राम में जब आया मैं शुरू शुरू में से स्टेप वर्क कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था, मैंने बहुत जल्दी अपने स्टेप वर्क कर लिए थे, लेकिन एक्चुअल स्टेप वर्क क्या होता है मुझे पता ही नहीं था, मैं तो बोल रहा था कि मैंने स्टेप वर्क कर लिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मेरी जिंदगी तो स्टेप वर्क के हिसाब से नहीं चल रही थी ना, खाली मेरे नाम के लिए स्टेप वर्क कर लिया था, लेकिन मेरी जिंदगी स्टेप वर्क के नाम पर नहीं चल रही थी, क्योंकि मेरी जिंदगी अलग थी और मैं अलग था, मैं वो प्रिंसिपल्स फॉलो ही नहीं कर पा रहा था, आज भी नहीं कर पाता हूं, आज भी कमी है, बट इट विल ग्रो स्लोली स्लोली, इट विल ग्रो एक एक दिन करके,
मैंने 28 साल शराब पी के अपनी जिंदगी खराब की है, तो एक दिन में मैं थोड़ी ठीक हो जाऊंगा, या 4 साल में मैं थोड़ी परफेक्ट हो जाऊंगा। आस्ते आस्ते जिंदगी का रुख बदल रहा है, हम खुशी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज भी हमारी जिंदगी में दुख तकलीफ आते हैं, ऐसा नहीं कि दुख तकलीफ नहीं आते, आज भी दुख तकलीफ आते रहते हैं, लेकिन उसके वजह से मैं शराब नहीं पीता हूं, उसके वजह से मैं गलत जगहों पे नहीं जाता हूं, आज ये सारी चीजों से बचा हुआ हूं, क्योंकि मैं ए वे ऑफ लाइफ जीने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि मेरा प्रॉब्लम कहां से आएगा, मैं शराब के पास कब जाऊंगा, जब मेरा दिमाग खराब होगा ना। अगर जो मैं अपने दिमाग को ही संतुलित और सही रखूंगा तो मेरे को शराब की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे एकदम तो क्लियर कट बिग बुक को बोलते हैं, फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन पढ़ेंगे, वहीं पे पहला ही पैराग्राफ में लिखा, वी ऑफ एल्कोहलिक्स एनोनिमस आर मोर देन 100 मेन एंड वुमेन हु हैव रिकवर्ड फ्रॉम अ सीमिंगली होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी टू शो अदर एल्कोहलिक्स प्रिसाइसली हाउ वी हैव रिकवर्ड इज द मेन पर्पस ऑफ दिस बुक। इस किताब का मेन उद्देश्य है, ये बुक मुझे गारंटी देती है कि अगर जो तू मुकेश मेरे को फॉलो करेगा, इसमें जो प्रिंसिपल्स लिखे गए उसको फॉलो करेगा, तो तू शराब से दूर रहेगा। इफ आई फॉलो द प्रिंसिपल्स विच आर रिटन इन दिस बुक, फॉरवर्ड टू सेकेंड इन फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट पेज का लास्ट पैराग्राफ में क्लियर कट लिखा हुआ है, द स्पार्क वॉज फ्लेयर इनटू द फर्स्ट एए ग्रुप वॉज स्ट्रक एट एक्रोन ओहियो इन जून 1935 ड्यूरिंग अ टॉक बिटवीन अ न्यू बॉक्स स्टॉक स्टॉक ब्रेकर एंड एन एक्रोन फिजिशियन। द ब्रोकर हैड बीन रिलीव्ड ऑफ हिज ड्रिंक ऑब्सेशन बाय अ सडन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, लिखता है बाय अ सडन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, ऐसे वैसे नहीं, बाय अ सडन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो ये जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा ना, तब तक शराब रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सडन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस अपने आप के अंदर झांकना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आगे ही लिखा हुआ, फॉलोइंग अ मीटिंग विद एन एल्कोहलिक फ्रेंड हु हैड बीन कॉन्टेक्ट विद द ऑक्सफर्ड ग्रुप ऑफ दैट डे, जिनके बारे में हमेशा हम लोग सुनते रहते हैं, अभी थैचर के बारे में, ही हैड ऑल्सो बीन ग्रेटली हेल्प बाय डॉक्टर विलियम डी सिल्वर्थ अ न्यूयॉर्क स्पेशलिस्ट इन एल्कोहलिज्म हु इज नाउ अकाउंटेड नो लेस देन अ मेडिकल सेंट बाय एए मेंबर्स एंड हू स्टोरी ऑफ द अर्ली डेज ऑफ आर सोब्राइटी अपियर्स इन द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आगे लिखता है, फॉर दिस डॉक्टर द ब्रोकर हैड लर्न द ग्रेव नेचर ऑफ एल्कोहलिज्म, सिर्फ एल्कोहल नहीं लिखा हुआ, एल्कोहलिज्म लिखा हुआ है, दो ही कुड नॉट एक्सेप्ट ऑल द टेनेट्स ऑफ द ऑक्सफर्ड ग्रुप्स ही वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड फॉर मोरल इन्वेंट्री। अगर जो मुकेश मोरल इन्वेंट्री नहीं करेगा तो मुकेश के लिए शराब छोड़ना तकलीफ का काम है, उसका ऑब्सेशन निकालना तकलीफ का काम है। कन्फेशन ऑफ पर्सनैलिटी डिफेक्ट्स, मुकेश के क्या डिफेक्ट्स हैं, अगर जो मुकेश अपने डिफेक्ट्स पे काम नहीं करेगा तो उसके लिए तकलीफदायक है शराब छोड़ना। रेस्टिट्यूशन टू दोज हार्म्ड, किन किन को उसने तकलीफ पहुंचाई है। हेल्पफुलनेस टू अदर्स, अगर जो मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगा तो मेरा काम नहीं होगा। एंड द नेसेसिटी ऑफ बिलीफ एंड डिपेंडेंस अपॉन गॉड। किताब खुली नहीं है, मैंने अभी बिल स्टोरी पढ़ी नहीं है, मैंने देर इज अ सोल्यूशन पढ़ा नहीं है, मैंने मोर अबाउट एल्कोहलिज्म पढ़ा नहीं है, री एग्नोस्टिक नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके पहले ही यहाँ पे फॉरवर्ड टू सेकेंड एडिशन में दिया हुआ है कि मुकेश तेरे को क्या 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 करना है। वो आगे जो अपनी स्टोरी ले जाते हैं उसके नीचे के लास्ट पैराग्राफ में, द फिजिशियन हैज रिपीटेडली ट्राइड स्पिरिचुअल मींस टू रिजॉल्व हिज एल्कोहलिक डिलेमा,
डॉक्टर बॉब की कहानी लिखी हुई है आप, बट हैड फेल्ड। बट वेन द ब्रोकर गेव डॉक्टर सिल्कवर्थ डिस्क्रिप्शन ऑफ एल्कोहलिक्स एल्कोहलिज्म एंड इट्स होपलेसनेस, द फिजिशियन बिगैन टू परस्यू द स्पिरिचुअल रेमेडी ऑफ फॉर हिज मेलोडी विद अ विलिंगनेस ही हैड नेवर बीन एबल टू मस्टर। डॉक्टर बिल डब्ल्यू साहब जब अपना प्रॉब्लम और अपनी कहानी बताते हैं, तब जाकर के उनको समझ में आती है कि भाई ये तो मेरे बारे में मेरी ही कहानी बता रहा है। तो जब तक मैं यहां पे आता हूं, मैं इन सारी चीजों पे काम नहीं करूंगा तो मेरा काम नहीं होगा। मेरे को मेरे प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। इफ आई डोंट डू दैट तो मेरा काम नहीं होगा। मैं अगर जो कह दूंगा कि मैंने अपनी फियरेस्ट मॉरल इन्वेंट्री ले ली है, मेरा काम नहीं होगा। आई हैव टू डू इट, लिखा हुआ है फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री। मैं स्टेप फोर में अगर जो फियरलेस मॉरल इन्वेंट्री नहीं लेता हूं तो मैं स्टेप फाइव में शेयर कैसे करूंगा? मैं स्टेप फाइव में शेयर कैसे करूंगा कि क्या है मेरी मॉरल इन्वेंट्री? अगर जो मैंने लिखा ही नहीं है तो मैं बोलूंगा कैसे? और मैंने बोला ही नहीं है और मैंने लिखा ही नहीं है तो मैं सिक्स स्टेप में आकर के उसको ट्रांसफर कैसे करूंगा भगवान को कि वर एंटायरली रेडी टू हैव गॉड रिमूव ऑल दिस डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर? अगर जो मैंने अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर लिखे ही नहीं है तो मैं भगवान से प्रार्थना कैसे करूं कि मुझे भगवान मेरे कैरेक्टर ऑफ डिफेक्ट्स निकाल दे? ये तो ऑटोमेटिकली नहीं होंगे ना। आई हैव टू वर्क इन इट, आई हैव टू वर्क इट इन। हम तो रोज पढ़ते हैं ना, रोज पढ़ते हैं हाउ इट वर्क्स। रेयरली हैव वी सीन अ पर्सन फेल हु हैज थॉरली फॉलोड अ पाथ। दोज हु डू नॉट रिकवर, पीपल हु कैनॉट और विल नॉट कंप्लीटली गिव देमसेल्व्स टू दिस सिंपल प्रोग्राम। मैंने बोला नहीं भाई, मेरे को तो कंप्लीटली देना है, आधे अधूरे पैसे से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मुझे तो अगर जो करना है तो पूरा काम करना होगा, तो आधा अधूरा करूंगा तो फिर वापस कुछ दिन बाद वही रेस्टलेस इरिटेबल डिस्कंटेंटेड। आज भी मैं कोशिश करता हूं कि भाई बचा रहूं। मैं किसी से भी बात करता हूं तो उसको अपनी कहानी बताता हूं कि देख भाई मैं ये चीज करके आया। तुम अगर जो करेगा तो तेरे को भी तेरा आंसर जरूर मिलेगा, अगर जो नहीं करेगा तो आंसर नहीं मिलेगा। क्योंकि सबसे पहले तो तुझे अपने संग सच बोलना है ना, उसके बाद तो स्पॉन्सर के पास जाना है। अगर जो तू अपने ऊपर पूरा काम नहीं करेगा तो तू स्पॉन्सर से जाके बोलेगा क्या? मैंने अपने बारे में सब कुछ लिखा, कोशिश की, अपने आप को रिवाइंड किया, रिवाइंड कर 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 करके अपने आप को रिवाइंड करने की कोशिश की। और मैंने गया अपनी अनमेन्युटी जहां से आई थी वहां जाकर के उसको खोजने की कोशिश की, मुकेश क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था। मैंने कोई अपनी कहानी नहीं लिखी है, अपने पॉइंट्स को खोजा मैंने कि क्या हुआ था, क्या हुआ था। उन पॉइंट्स को खोजते 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 मुझे मेरी अनमेन्युटी मिली कि मेरी अनमेरिटी मेरे प्राइड में, मेरे ग्रीड, मेरा प्राइड ग्रीड लस्ट एंगर ग्लटनी एनवी स्लॉथ, ये लिख ये मेरा प्रॉब्लम था। मेरा अनमेरिटी यहां से आ रहा था और यहां से आ रहा था और फिर मैं शराब पी करके इन सबको और अंजाम दे रहा था। तो मैंने इस जगह को रोकने की कोशिश की। जैसे मैंने इस जगह को रोकने की कोशिश की, मेरा ऑब्सेशन ऑफ द एल्कोहल रिलीव्ड, बिग बुक में लिखा हुआ ना, एल्कोहल इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, एकदम इट इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैं जैसे आके बोलता हूं दैट आई एम पावरलेस ओवर एल्कोहल, दैट माई लाइफ हैज बिकम अन, मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया सेकेंड ऑफ द फर्स्ट। मैं जिंदगी भर अपनी अनमेरिटी के ऊपर काम करता रहूंगा दोस्तों। ऐसा नहीं कि मैंने प्रोग्राम कर लिया तो मेरी अनमेरिटी चले जाने वाली है। मेरी अनमेरिटी मेरे संग जिंदगी भर तक रहेगी और मुझे उसे जिंदगी भर उसके लिए काम करना।
वही तो मेरा काम है कि मैं जितना अपनी अनमेरिटी के ऊपर काम करूंगा उतना मैं हैप्पी जॉयस एंड फ्री रहने की कोशिश कर पाऊंगा। क्योंकि ये प्रोग्राम में जब आता हूं मैं बोलता हूं पावरलेस, तो ये जब बाकी का प्रोग्राम करता हूं तो ये प्रोग्राम मुझे पावर सप्लाई करता है, जिंदगी जीने का पावर सप्लाई करता है कि मुकेश तेरे को जिंदगी इस तरह से जीनी पड़ेगी। आज मैं रोज सुबह उठकर जब प्रेयर मेडिटेशन करता हूं तब भी मैं यही करता हूं, मैं हर लिटरेचर को कोशिश करता हूं, भागता हूं क्या लिखा हुआ क्या लिखा हुआ क्या लिखा हुआ। आज का ही जो डेली रिफ्लेक्शन है वो लिया गया है एज बिल सीज इट, वहां पे क्या लिखा है पेज नंबर 8 में, अ न्यू लाइफ इज सोब्राइटी ऑल दैट वी आर टू एक्सपेक्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। क्या मेरे लिए खाली शराब छोड़ना ही है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं जो मेरे को स्पिरिचुअल अवेकनिंग से मिलेगा? नो, सोब्राइटी इज ओनली अ बेर बिगनिंग, इट इज ओनली द फर्स्ट गिफ्ट ऑफ द फर्स्ट अवेकनिंग, इट इज जस्ट द फर्स्ट गिफ्ट ऑफ द फर्स्ट अवेकनिंग। माने वो जस्ट एक सोब्राइटी, एक जस्ट छोटा सा पहला गिफ्ट है। इफ मोर गिफ्ट आर टू बी रिसीव्ड आर अवेकनिंग हैज टू गो ऑन। अगर जो मुकेश को और गिफ्ट चाहिए तो दिस अवेकनिंग हैज टू गो ऑन, आई हैव टू कीप ऑन फाइंडिंग मैंने किसको तकलीफ दी, मेरा प्रॉब्लम कहां से आ रहा था, मैंने क्या कर रहा था जो ऑब्जेक्शनेबल था, जो इनटू एक्शन पेज में लिखा हुआ है, व्हाट आर द थिंग्स विच आर ऑब्जेक्शनेबल। मुकेश की जिंदगी में कौन सी चीजें हैं जो ऑब्जेक्शनेबल है। एज इट डज गो ऑन वी फाइंड दैट बिट बाय बिट वी कैन डिस्कार्ड द ओल्ड लाइफ। अगर जो ऐसा चलता रहेगा तो मुकेश थोड़ा थोड़ा करके अपनी पूरी जिंदगी को डिस्कार्ड करता रहेगा। आज वाकई में मैं कर रहा हूं, मैं अपनी पुरानी जिंदगी को डिस्कार्ड करने में थोड़ा थोड़ा सफल हो रहा हूं। द वन दैट डिड नॉट वर्क, वो चल नहीं रहा था, मेरा पुरानी जिंदगी काम नहीं आ रही थी ना, वही यहां पे लिखा द वन दैट डिड नॉट वर्क फॉर अ न्यू लाइफ दैट कैन एंड डज वर्क अंडर एनी कंडीशंस वॉट एवर। ये जो मेरी नई जिंदगी है वो कोई भी तरह का कंडीशन और किसी भी तरह की परिस्थिति में वो चलेगी, क्योंकि ये मेरी नई जिंदगी है, नई जिंदगी है, स्पिरिचुअल जिंदगी, स्पिरिचुअल जिंदगी जीने की यहां पे बात की जा रही है, ए वे ऑफ लाइफ। आगे लिखता है रिगार्डलेस ऑफ वर्ल्डली सक्सेस और फेलियर, रिगार्डलेस ऑफ वर्ल्डली सक्सेस और फेलियर, रिगार्डलेस ऑफ पेन और जॉय, रिगार्डलेस ऑफ सिकनेस और हेल्थ, और इवन ऑफ डेथ इटसेल्फ। कोई भी परिस्थिति आए, अगर जो मैं ए वे ऑफ लाइफ जीऊंगा तो मुझे ये सारे प्रोमिसेस मिलेंगे। अ न्यू लाइफ ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज कैन बी लिव्ड इफ वी आर विलिंग टू कंटिन्यू आर अवेकनिंग टू द प्रैक्टिस ऑफ ए 12 स्टेप्स। ये आज का डेली रिफ्लेक्शन जो एज बिल सीज इट से लिया गया है, पेज 8 पे है। ये कि लिटरेचर ऐसी एक जगह है ना, उसे पढ़ते रहो, उसके अंदर अपने आप को खोजो, बहुत कुछ मिलता है। मैं बहुत खुश रहता हूं, मैं अपना कोई भी टाइम रहता है ना मैं सिर्फ लिटरेचर में, आज संडे है सुबह से मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ नाश्ता किया और लिटरेचर लेके बैठा हूं, कुछ ना कुछ पढ़ रहा हूं, कुछ ना कुछ देख रहा हूं, कुछ ना कुछ खोजने की कोशिश कर रहा हूं, किसी से बात करता हूं। मैं अपना जिंदगी इसी तरह निकालता हूं, अपने बुक बॉक्स के साथ, लिटरेचर के साथ, फेलोशिप के साथ, क्योंकि फेलोशिप एक ऐसी जगह है जहां पर मैं जाता हूं तो मुझे कोई ना कोई भाई मिलता है जिसके साथ मैं अपना काम आगे कर सकता हूं।
मुझे भी अगर जो मैं खाली बैठा रहूंगा तो मुझे भी वो ऑब्सेशन आ जाएगा जो फॉरवर्ड टू फर्स्ट एडिशन में दिया हुआ है, प्रायर टू हिज जर्नी टू एक्ट ऑन द ब्रोकर हैड वर्क हार्ड विथ मेनी अल्कोहलिक्स ऑन द थ्योरी दैट ओनली एन एल्कोहलिक कुड हेल्प एन एल्कोहलिक बट ही सक्सीडेड ओनली इन कीपिंग सोबर हिमसेल्फ। तो मुकेश को अगर जो सोबर रहना है तो मुकेश को तो ये सब करता रहना पड़ेगा ना, मुकेश ये सब नहीं करेगा कैसे चलेगा, तो इसको ये सारा चीज करते रहना पड़ेगा। मैं जिंदगी का बहुत आभारी हूं, मैं सबसे ज्यादा मेरे घर वालों का, इस फेलोशिप में हर एक मेंबर का, जिनसे मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ, मैं हर किसी से कुछ ना कुछ सीखता हूँ। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मुझे कुछ सिखाता नहीं है, मुझे हर इंसान कुछ ना कुछ मैसेज दे रहा है, मुझे चुपचाप सुनना है, सुनना है कान खोल करके। सुधीर जी हमेशा कहते रहते हैं कि मैं पहले आऊं तो सही, बैठा तो रहूं, सुनूं तो सही क्या कौन क्या बोल रहा है, मुझे सुनते रहना, हर किसी की शेयरिंग मुझे कुछ ना कुछ मैसेज दे रही है, मैं वो मैसेज चुप से लेता हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है वो अपने अंदर डाल लेता हूँ, जो अच्छा नहीं लगता उसे जय श्री राम कर लेता हूँ। भगवान की दया है कि मैं थोड़ा बहुत जो भी सीख पाया हूं ना इस फेलोशिप से, अपने घर वालों से, मेरे स्पॉन्सर से, मैं भी इस जब फेलोशिप में आया था तो मेरी भी जिंदगी ऐसी ही थी। मैं जब आया मेरे को 6 महीने लगभग हुए थे और मैंने मैंगलोर ग्रुप में मीटिंग जाना चालू किया, 6 महीने हुए थे मेरे को, और सडनली वहां पे लकीली वहां बिग बुक का वो होने वाला था, तो वहां पे 10-15 जन के नाम आए कि ये लोग स्पॉन्सरशिप करने के लिए तैयार है। मैंने देखा एक जन को पकड़ा और उससे स्पॉन्सरशिप, उसको अपना स्पॉन्सर बना लिया। आज भी भगवान की दया से वो इंसान मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है, सबसे बेस्ट फ्रेंड है मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस के। और मेरी और उनकी सोबराइटी में सिर्फ 27 दिन का फर्क है, सिर्फ 27 दिन का फर्क। उनका डेट ऑफ सोबराइटी 3 अगस्त 2020 है, मेरा सोबराइटी डेट है 30 अगस्त 2020। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को हमेशा मदद करते रहते हैं, जब भी बात करते हैं एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, वो बॉन्डेज है, उसके संग रहता हूं तो वो खुशी के बातें हम शेयर करते हैं। भगवान करेगा तो हम मिलेंगे इंटरनेशनल कन्वेंशन में, जाने जाऊंगा तब पता नहीं, भगवान से ये भी मेरा आज का काम हो गया कि अपनी जो भी खुशी है, जो भी रिक्वायरमेंट है, भगवान के पास में अर्जी डाल दो, मेरे पूरी होने की उम्मीद मत रखना। मैं हर पहले कोई भी कोशिश करता था ना, मैं हमेशा उसे पूरी होने की उम्मीद रखता था, आज मैं वो सारी चीजों को ना उम्मीद नहीं रखता। मेरा काम है एप्लीकेशन कर दो, होगा नहीं होगा वो भगवान सोचेंगे, क्योंकि पहले मैं ये सारी चीजें ना, उम्मीद मेरी अचानक उम्मीद जागी, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, ये सारी जब मैं करने जाता था ना तो मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आ जाता था। लेकिन आज मुझे अगर जो कुछ करना है तो मैं सोचता हूँ ठीक है, अगर जो होगा तो करूंगा, नहीं होगा तो भी ठीक है, भगवान जो करे वो अच्छे के लिए ही कर, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, भगवान कभी किसी के जिंदगी में कोई गलत फैसला नहीं लेते हैं। लेकिन मेरे को जल्दी रहती है ना कि मेरे संग ये जल्दी क्यों नहीं हुआ, भगवान मेरी जिंदगी में सब कुछ लाके देंगे, लेकिन मुझे अपने लिए सबर करना पड़ेगा। लेकिन मैं उतावला हूंगा कि मेरे को अभी चाहिए, कल चाहिए, तो बड़ा मुश्किल है ये काम मेरे जैसे अल्कोहलिक के लिए। मैं बहुत बहुत आभारी हूं सभी भाइयों का, चैरिटी ग्रुप का, मेरी वाइफ का, मेरे घर वालों का और सभी भाइयों का, ए वालों का। अगर जो मैं किसी को जाने अनजाने कोई दुख पहुंचाए तो मैं सबसे क्षमा चाहूंगा, और थैंक यू सो मच चैरिटी ग्रुप, और थैंक यू आप लोग ने, सबने मुझे सुनने का, बोलने का मौका दिया।
जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सुधीर जी एंड एवरीबॉडी इन सेवेंटी ऑनलाइन ग्रुप। थैंक यू सो मच।